हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे चाइना की ऐसी वीपन जो मिसाइल के साथ साथ टॉर्पीडो भी है, जो हवा और पानी दोनों में एक साथ दूरी ट्रैवल कर टारगेट को अचीव कर सकती है। फिर जानेंगे क्या है अमेरिका का प्रोजेक्ट जीप और इस कार्यक्रम को अमेरिका ने क्यों रोका। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाँ, तो चाइना एक बोरोन बेस्ड सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है जो हवा और पानी दोनों में दूरी तय कर टारगेट को हिट कर सकती है। चाइना के रॉकेट साइंटिस्ट का कहना है उन्होंने बोरोन बेस्ड मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। बोरोन एक तरह का मेटलॉइड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती है। इनका इस्तेमाल वॉशिंग पाउडर और एंटीसेप्टिक में भी होता है। यह हवा और पानी दोनों में तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट करती है और अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करती है। जलने के समय इसकी फ्लेम हरी होती है। यह अदर कन्वेंशनल फ्यूल से 40% तक की अधिक एनर्जी रिलीज करती है। इसको ऐसा बनाया गया जिससे वो हवा में भी ट्रैवल कर सकता और फिर पानी में गोता लगाकर वो अपने टारगेट को हिट कर सकती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। जो ये नई बोरोन बेस्ड प्रोपल्सन सिस्टम है, इसका लेंथ 5 मीटर तक हो सकता और 2.5 मैक की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकेगी। इसका मतलब ये है कि यह साउंड के गति से 2.5 गुना ज़्यादा अधिक होगी। यह एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल होगा जिसकी हाईएस्ट अल्टीट्यूड 10,000 मीटर होगी और यह पानी में गोता लगाने से पहले 200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और पानी में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर यह टारगेट को हिट कर सकती है। टारगेट के 10 किलोमीटर दूरी तक जाते ही यह टॉर्पीडो मोड में एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिस समय इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड होगी। चाइना का साइंटिस्ट का यह भी मानना है ऐसी कोई शिप डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस तरह की क्रॉस मिक्स्ड मिसाइल को रोक सके। ऐसा नहीं है कि चाइना पहली देश है जो बोरोन को एज एविएशन फ्यूल में यूज करने वाली है। इससे पहले US एयरफोर्स 1950 के समय इसका प्रयोग की थी। कन्वेंशनल एविएशन फ्यूल हाइड्रोकार्बन पर बेस्ड होती है जो फॉसिल फ्यूल का रिफाइंड फॉर्म होता है, बट हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल उतनी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती जितने में फाइटर प्लेन दुनिया का लगभग हिस्सा ट्रेवल कर सके। इसलिए अमेरिकन एविएशन इंजीनियर्स ने हाइड्रोजन बोरोन कंपाउंड को डेवलप किया जिसे बोरेन्स भी कहते हैं। इसको प्रोजेक्ट जीप के अंतर्गत बनाया गया था। इसके एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी से शुरुआत तो अच्छी रही, मगर इस कार्यक्रम को 1959 तक रोक दिया गया क्योंकि पहली वजह टॉक्सिक है। बोरेन्स इंजन से निकलने वाली हवा जहरीली होती थी, इसको काफी अच्छे से हैंडल किया जाता था। इसके आसपास के लोगों को एक यूनिक मास्क पहनना पड़ता था। दूसरा कारण, एक्सप्लोजन कैपेबिलिटी। बोरोन पार्टिकल बहुत मुश्किल से कंट्रोल होते क्योंकि ये तुरंत जल जाते हैं, इसी कारण एक्सप्लोड होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। थर्ड कारण, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन फाइटर प्लेन। ऐसा देखा गया कि फ्यूल का यूज जेट में किया गया तो यह पूरी तरह जल नहीं रही थी, जिसके कारण से टरबाइन इंजन पर एक स्टिकी लेयर बना रही थी जिसके कारण इंजन की परफॉर्मेंस गिरती गई। ऐसा कहा जाता है 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। मगर पिछले कुछ सालों में देखा गया कि हाइपरसोनिक रेस स्टार्ट होने से बोरोन ने अपना ध्यान फिर से आकर्षित किया। अमेरिका और चाइना लगातार इस पर रिसर्च कर रही है। बोरोन को अभी भी यूज करना काफी चैलेंजिंग है क्योंकि बोरोन पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करती है, वो लिक्विड में भी बिहेव करती है और सॉलिड में भी बिहेव करती है। और जब फ्यूल कंबस्टिबल चैम्बर में जाता है तो इसका सिमुलेशन काफी चैलेंजिंग हो जाता है। चाइना अपने मास वेपन प्रोड्यूस करने के लिए बोरोन फ्यूल्स पर निर्भर रहती है। इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।